क्षेत्र में 10 गांव के ग्रामीणों ने धान खरीदी में हो रही परेशानियों को देखते हुए अलग खरीदी केंद्र खोले जाने की मांग की है। खरीदी केंद्र में किसानों की संख्या और पैदावार ज्यादा होने के कारण खरीदी पूरी तरह से नहीं हो पा रही है। कलेक्टर को ज्ञापन देते हुए किसानों ने बताया कि अमोड़ा लैंपस में कुल 14 गांव के किसानों की धान खरीदी की जाती है, जिसमें खरीदी केंद्र चावड़ में ग्राम चावड़, जुनवानी, रामपुर, साले टोला धान खरीदी केंद्र के करीब है। बाकी बचे 10 गांव के खरीदी केंद्र से दूरी अधिक है। किसानों की संख्या अधिक होने के कारण टोकन कटवाने, धान लाने और बेचने में काफी परेशानी होती है। किसानों ने आसानी से अपना पूरा धान बेचने के लिए अलग केंद्र खोलने की मांग की है। तो परेशानी है, धान खरीदी बेचने में और टोकन वोकन थोड़ा लेट से कटता है तो परेशानी होता है, पूरा धान बेच नहीं पाते अपने किसान लोग। तो इसी संबंध में अपना एक और लैंप से चाहिए करके धान खरीदी लैंप से केंद्र, जो धान खरीदी केंद्र है वहीं रहे, लेकिन जो धान खरीदी केंद्र हो जिसमें अलग अलग ग्राम पंचायत जैसे वितरण करके बांट दिया जाए। और इससे क्या होगा कि दो जगह अगर धान खरीदी होगा तो किसान अलग अलग बढ़ जाएंगे और उनको थोड़ा सा सुविधा मिल सकता। सीहोर जिले में आफत की बात